अभी मौजूदा हालात फलस्तीन वगैरह के जो चल रहे हैं, आप देखिए हमारे यहाँ के अखबारात हमास का किरदार ऐसा लिखते हैं जैसे वाकई इस्लामी हीरोज हैं, लेकिन जब हकायक आप देखेंगे जानेंगे तो पता चलेगा कि नेतन्याहू यानी इसराइल के सदर और इनकी मिली भगत है, नौरा कुश्ती है, दिखावा है, लोगों को धोखा देना है। तुर्की और ईरान को अमेरिका के खिलाफ और ईरान फलस्तीनियों का हामी दिखाया जाता है जबकि इन्होंने आज तक एक गोली नहीं दी, हमेशा साथ दिया है। शियों की ईरान में इसराइल के अंदर जितने यहूदी है, इसराइल के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी ईरान में, ऐसी और भी बहुत सारी हकीकतें हैं। मुसलमानों का कई मकामात पर आज की तारीख में ये लोग कत्लेआम जहां कर रहे हैं वो खबर में भी नहीं आता। अगर एक अखबार में या इंटरनेशनल लेवल की मीडिया में कोई खबर आ रही है तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि वो खबर यहूदियों की चाहत के बगैर नहीं आ रही है, और यहूदियों की चाहत के साथ आलमी ताकतों की ख्वाहिश के मुताबिक अगर कोई चीज आ रही है तो हमारे खुश होने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू ने बताया कि ये देखो हमारे इसराइली 13 लोग 12 लोग मर गए तो हमारे मुसलमान जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कितनी सतही दिमाग, कितनी गैर इल्मी, और अब तक बार बार मारे ठोके जाते हैं लेकिन अकल नहीं आई। वो जो लाशें दिखाई जा रही है वो सही है या गलत, या किस मकसद से दिखाई जा रही है? अपनी बेचारगी जाहिर करने के लिए नहीं, बेचारगी जाहिर करने के लिए नहीं, दुनिया के सामने ये जवाब पेश करने के लिए कि अब हम मुसलमानों पर फलस्तीनियों पर हमला कर सकते हैं, उनकी बस्तियों को वीरानों में तब्दील कर सकते हैं, इमारतों को खंडर बना सकते हैं, उनकी बस्तियों को लाशों का अंबार लगा ढेर लगा दे का मकान बना सकते हैं। ये हमारे पास उसूल आ गया, अब हमको किसी की सुननी नहीं है। जब वो लाश बता रहे हैं तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि वो हमला करने की तैयारी है। ये मुसलसल चला आ रहा है। हाँ, अफगानिस्तान पर हमला करना है तो अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया गया, बाद में मुख्तलिफ तहकीकात आ रही है कि इसराइलियों और उनके हमनवाओं की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, एक यहूदी उसमें नहीं मरा। हमारी अकल नहीं आती, ठिकाने लगती। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को पर हाथ डालना है तो उससे पहले एक कांड करवाया जाए जिस पर मुसलमानों का इल्जाम लगाया जाए और उसके बाद हमला किया जाए। ये मुसलसल ये तदबीर इख्तियार की जाती है, और हमारे यहाँ जोश जज्बे का ऐसा मामला है, ये कुरान और हदीस और सही मनहज ना होने की वजह से सही फिक्र नहीं होती। आप दुनिया में किसी बात को वाकई का सही तज्जिया अगर करना चाहते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा मुसलमान सहाफियों को खास तौर से, आपकी नजर और आपकी निगाह सही गहराई में उस वक्त जाएगी जब आप मनहज की बुनियाद पर तहकीक करेंगे। एक आदमी एक ग्रोह अगर गलत है, मुसलमानों का दुश्मन है, तो वो मुसलमानों के हक में कभी काम नहीं कर सकता। उसकी कोई ऐसी खबर अगर आती है जो मुसलमानों के हक में है तो आप ये खंगाल लिए कि पीछे क्या मकासिद है, क्यों ये मुसलमानों की बजाहिर तायद कर रहा है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश जरूर है। और इस सिमन में सरे फहरिस्त तो मुसलमानों की तारीख में सबसे नुमाया तौर पर मुनाफकत का किरदार निभाने वाला तबका रवाफिज का है, ईरान का है, जिसने कभी मुसलमानों का साथ पूरी तारीख में नहीं दिया, मुसलमानों के फायदे का काम नहीं किया, तो आज कैसे करेंगे? लेकिन हमारे यहां तहरीकी मनहज और बसीरत के इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि इन्हें अच्छे बुरे अपने पराये का भी एहसास नहीं होता, शऊर नहीं होता। और जब आप जाएंगे तो दुनिया के फलसफे बघाएंगे। ये मनहजियत के फुकदान का नतीजा है, छोटी मोटी बात नहीं है।